ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स का समाकल ज्ञात करना। माना कि दिए गए फलन का समाकल आई है, तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स डीएक्स। अब अंश में जो दी गई राशि है उसे हम प्रतिस्थापित करेंगे कुछ इस प्रकार, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू एम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स प्लस एन इंटू सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स। अब राइट हैंड साइड पर जो अवकलन के लिए राशि है उसका हम अवकलन करेंगे और आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू माइनस एम इंटू सी साइन एक्स प्लस एम इंटू डी कॉस एक्स प्लस एन इंटू डी साइन एक्स प्लस एन इंटू सी कॉस एक्स। राइट हैंड साइड पर हम साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों को कलेक्ट कर लेंगे और इस प्रकार हमें मिल जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू एम डी प्लस एन सी इंटू कॉस एक्स प्लस इन ब्रैकेट एन डी माइनस एम सी इंटू साइन एक्स। अब दोनों पक्षों पर साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर हमें मिल जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड में कॉस एक्स का गुणांक ए है और राइट हैंड साइड में कॉस एक्स का गुणांक है एम डी प्लस एन सी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू एम डी प्लस एन सी, माना कि यह समीकरण एक है। फिर से देखेंगे कि लेफ्ट साइड में साइन एक्स का गुणांक है बी और राइट हैंड साइड में साइन एक्स का गुणांक है एन डी माइनस एम सी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू एन डी माइनस एम सी, माना कि यह समीकरण दो है। आपके पास दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि के द्वारा हल कर सकते हैं, जैसे कि वज्रगुणनखंड विधि, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि। यहां पर हम विलोपन विधि का उपयोग करके सरल करेंगे। समीकरण एक में C का गुणा करेंगे तथा समीकरण दो में D का गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा AC इक्वल टू M इंटू सी डी प्लस N इंटू सी स्क्वायर और दूसरे समीकरण में D का गुणा करने पर हमें मिलेगा BD इक्वल टू माइनस M इंटू सी डी प्लस N इंटू डी स्क्वायर। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो एम सी डी जो है ये कैंसल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा ए सी प्लस बी डी इक्वल टू एन इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहां से हमें एन का मान निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समीकरण एक में डी का मान तथा समीकरण दो में सी का गुणा करके हम घटा देंगे तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा ए डी इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वायर प्लस एन इंटू सी डी। फिर अगला समीकरण हमें मिलेगा बी सी इक्वल टू माइनस एम इंटू सी स्क्वायर प्लस एन इंटू सी डी। जब घटाएंगे तो लेफ्ट साइड पर हमें मिल जाएगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू राइट हैंड साइड में मिलेगा एम इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको मिल रहा है कैपिटल एम इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इन मानों को जो हमने प्रतिस्थापन किया था a cos x plus b sin x वहां पर m और n के पदों में हमने लिखा था उसको, ये मान हम वहां पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा i equal to integration sin ad minus bc upon c square plus d square into d by dx of c cos x plus d sin x upon c cos x plus d sin x dx plus integration sin ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स अपॉन सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स डीएक्स। आगे जब सरल करेंगे तो दूसरे समाकलन में जो राशि दिख रही है ब्रैकेट के अंदर में वो अंश और हर में दोनों समान है, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे और आगे हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू देखिए AD माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है या चर से रहित पद है इसलिए ये समाकलन चिन्ह के पहले बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा I इक्वल टू AD माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स प्लस AC प्लस BD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स।
देखिए जैसा कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन साइन डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसी सूत्र का उपयोग करके हमने सरल किया है। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स। तो इस प्रकार के फलन जिसका समाकलन हमें ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा इसी विधि का प्रयोग करके हमें सरल करना है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। इस पद का समाकलन या फलन का समाकलन हमें x के सापेक्ष करना है। तो माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स डीएक्स। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार के फलन का समाकलन किस प्रकार करते हैं। तो पुनः यह हम मान करके चलेंगे कि अंश में जो राशि दी गई है 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू एम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस एन, जहां पर एम और एन अचर है। अब इसे हम सरल करेंगे राइट हैंड साइड को अवकलन करके और साइन एक्स और कॉस एक्स का गुणांक कलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा यहां पे कट करना पड़ेगा प्लस एन इंटू 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। अब इसे सरल करेंगे और साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांक को कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू एम इंटू साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो ये 4 कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स, तो माइनस 5 साइन एक्स प्लस एन इंटू 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। अब राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सरल करेंगे और साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे तो हम लिखेंगे साइन इंटू माइनस 5 एम। देखिए यहां पर m का मल्टीप्लाई माइनस 5 से हो रहा है, इसी प्रकार 4 एन से यहां पर साइन का मल्टीप्लाई हुआ है प्लस कॉस। अब देखिए 4 एम का मल्टीप्लाई कॉस से तो ये हम 4 एम लिखेंगे और यहां पर 5n प्लस 5n। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर साइन x का गुणांक है 2 और राइट साइड पर माइनस 5m प्लस 4n माइनस 5m प्लस 4n। साइन x का गुणांक राइट पर है माइनस 5m प्लस 4n और यहाँ पर साइन एक्स का गुणांक है 2। इसी प्रकार कॉस एक्स का गुणांक है 4m प्लस 5n और इस तरफ गुणांक है 3। तो इसमें यदि हम ऋण चिन्ह का गुणा कर दें तो मिल जाएगा 5m प्लस 4n और ये जो 2 है इसको लेफ्ट में ले आता हूँ मैं, माइनस 2 इक्वल टू 0 और इसको हम लिख सकते हैं 4m प्लस 5n माइनस 3 इक्वल टू 0। माना कि समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ये प्लस चिन्ह आएगा। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिल जाएगा माइनस की जगह में प्लस 5m फिर माइनस 4n और ये इक्वल टू में है माइनस 2 तो लेफ्ट में आ जाएगा कि प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है 5m माइनस 4n प्लस 2 इक्वल टू 0 और 5m 4m प्लस 5n माइनस 3 इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए अलग अलग विधियाँ हो सकती है, विलोपन विधि हो सकती है, प्रतिस्थापन विधि हो सकती है, वज्गुणनखंड विधि हो सकती है। तो यहाँ पर मैं वज्गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 को वज्गुणनखंड विधि से सरल करने पर
तुम लिखते हैं m अपॉन ऋण चार और ऋण तीन का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा धन 12, फिर ऋण पाँच और दो का गुणा करेंगे मिल जाएगा 10, फिर ये ऋण n, पाँच और ऋण तीन का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 15 और चार और दो का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण 8, फिर 1/5 और पाँच का गुणा करेंगे मिल जाएगा 25, ऋण चिन्ह चार और ऋण चार का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण 16, ऋण और ऋण धन 16। तो आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा m अपॉन 2 इक्वल टू n अपॉन 23 इक्वल टू 1 अपॉन 41। प्रथम और अंतिम पद की तुलना करेंगे तो मिल जाएगा m इक्वल टू 2 अपॉन 41, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, और दूसरा n इक्वल टू 23 अपॉन 41। ये हमें m और n का मान मिल गया है, इसको हम यहाँ पर रख कर के सरल करेंगे। तो ये 2 sin x प्लस 3 cos x, यहाँ पर m और n का मान रखेंगे और इन सब मान को हम यहाँ पर रख देंगे और आगे फिर सरल करेंगे। f का मान रखने पर साइन 1 अपॉन 41 और 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू 4 cos x माइनस 5 sin x अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos x। इसी प्रकार 23 इंटू 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos x देन dx। 1 अपॉन 41 जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन, टू इंटू 4 cos x माइनस 5 sin x अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos x dx प्लस, अंश में जो राशि है वही राशि हर में भी है, कैंसिल हो जाएगा, ये 23 और इसका समाकलन, ये जो 41 है इसका गुणा दोनों पदों के साथ होगा, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब कि आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो तो इसका, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैस ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो तो इसका समाकलन हम लिखते हैं log ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसी प्रकार इस राशि का अवकलन अंश में दिया गया है, तो इस राशि का समाकलन करेंगे तो log ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x मिल जाएगा। तो इसे हम लिख रहे हैं 1 अपॉन 41 टू 2 इंटू log ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस 23x और प्लस c। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 2 अपॉन 41 log ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस 23 अपॉन 41 इंटू x प्लस c। तो ये जो राशि हमें मिल रही है ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे ही सरल करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, इस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे सरल कर लेते हैं, ये 1 अपॉन a प्लस बी, टेन एक्स को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और आगे जब सरल करेंगे तो cos x अंश में चला जाएगा cos x, और a के साथ cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आप लिखेंगे a cos x प्लस b sin x। तो इस फलन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब माना कि दिए गए फलन का समाकलन है i,
इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स, तो इसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन कॉस एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डी एक्स। अब पुनः जैसा कि हमने पिछले प्रश्न को सरल किया था कि अंश में जो राशि दी गई है उसे m और हर में राशि दी गई है उसके अवकल गुणांक, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और n के साथ में हर में जो राशि दी गई है ये इसके बराबर है, हम ऐसा मान करके चलेंगे। अब आगे जब सरल करेंगे m a cos x, cos x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा कॉस एक्स। इसी प्रकार ये है एन इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और ये है कॉस एक्स के बराबर। अब यदि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो गुणांक है उसे हम कलेक्ट कर लें, अर्थात कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ये कॉस एक्स एम इंटू बी, ये एम और ये बी, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर एन और ए के साथ हो रहा है तो ये एन ए, प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस एम इंटू ए और एन इंटू बी, ये है कॉस एक्स के बराबर। तो अब हम गुणांकों की तुलना करेंगे गुणांकों की तुलना करने पर राइट साइड में देखिए कॉस एक्स के साथ में है एम बी प्लस एन ए और लेफ्ट साइड में है एक, इसी तरीके से राइट साइड पर है माइनस एम ए प्लस एन बी इक्वल टू ज़ीरो, लेफ्ट साइड में साइन एक्स वाला पद नहीं है तो इस तरीके से हम उसका गुणांक शून्य मान करके चल सकते हैं। माना कि ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है, समीकरण दो को यदि आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा एन बी इक्वल टू एम इन टू ए और यहाँ से यदि आप n का मान निकालना चाहें तो आप लिखेंगे m इन टू ए अपॉन बी। इस तरीके से ये मान समीकरण एक में रख देंगे या फिर वज्रगुणनखंड विधि से भी हम इसको सरल कर सकते हैं और एम बी प्लस एन ए माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और फिर एम ए माइनस एन बी माइनस या प्लस जो भी आप लिखना चाहें ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों समीकरण को हम नया समीकरण नाम दे देते हैं, वज्रगुणनखंड विधि से सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एम अपॉन ए और ज़ीरो का मल्टीप्लाई माइनस साइन, माइनस वन और माइनस बी का मल्टीप्लाई प्लस, फिर माइनस एन बी और ज़ीरो का मल्टीप्लाई, फिर माइनस वन और वन ए का मल्टीप्लाई माइनस ए, तो माइनस माइनस ए इक्वल टू वन अपॉन बी और बी माइनस मल्टीप्लाई माइनस बी कर जाएगा बी, तो ये बी स्क्वायर और तो यदि चाहे माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, प्रथम और अंतिम की तुलना करेंगे तो मिल जाएगा एम इक्वल टू माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे और तीसरे पदों की तुलना करेंगे तो मिल जाएगा n इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो मान हमें मिल चुके हैं, cos x इक्वल टू m इंटू हमने लिखा था और इसी प्रकार n वाला पद था, इन दोनों मानों को हम वहां पर रखेंगे और आगे सरल करेंगे।
समीकरण 3 और ये हमारा समीकरण 4। इसको वज्रगुणनखंड विधि से जब सरल करेंगे, वज्रगुणनखंड विधि से देखिए, एम अपॉन ए इंटू जीरो जीरो माइनस साइन ए ए इंटू जीरो जीरो, फिर माइनस बी और माइनस वन प्लस बी, और ये साइन पहले से माइनस, तो इस प्रकार मिल जाएगा माइनस बी। इसी प्रकार माइनस एन अपॉन, इसका गुणांक है बी और इसका गुणांक है शून्य, तो शून्य ऋण ए और ऋण एक, तो ऋण ए मिलेगा, ऋण और ऋण धन ए इक्वल टू एक। बी और बी का मल्टीप्लाई, माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस साइन ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा ए स्क्वायर। आगे जब पदों में माइनस चिन्ह है उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन ए इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रथम और अंतिम पद की तुलना करने पर आपको मिल जाएगा द्वितीय और अंतिम पद की तुलना, तो हमें मिलेगा I इक्वल टू एम इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन ए कॉस प्लस बी साइन एक्स। दी गई है वो, तो इसे हम लिख सकते हैं m इंटू लॉग ऑफ a cos x प्लस है। अब हम देते हैं जो हमने यहां बात किया था, तो आपको मिल जाएगा i इक्वल टू b जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा। तीसरा प्रश्न दिया गया है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस राशि का हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो इसे हम लिखेंगे कि माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन साइन एक्स डीएक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जैसा पूर्व में हम उसे अंश में जो दी गई राशि है उसे m गुणा हर में जो दी गई राशि है उसका अवकल गुणांक धन n के साथ में हर में जो दी गई राशि है उसका गुणनफल इस रूप में लिखते हैं, m और n का मान निकालते हैं और फिर इस वैल्यू में इसमें पुट करके आगे सरल करते हैं। ये भी आप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि 1/2 इसे आप लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x और प्लस साइन साइन x माइनस और फिर ये अपॉन साइन x माइनस cos x। देखिए यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, cos x पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है, ये cos x कैंसिल हो जाएगा,
साइन एक्स और साइन एक्स मिल जाएगा टू टाइम साइन एक्स और ये वन बाई टू, इस तरीके से मिल जाएगा आपको। तो ये आपको मिल जाएगा 1 बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर इसका तो ये गैप